अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कल हमने पेयर वर्क किया था, पेयरिंग की थी, जिसके अंदर हमने एक पेयर का मेंबर जो है वो प्रोजेक्ट प्लानिंग, रिसर्च और क्वालिटी चेक करेगा, दूसरा शख्स कोड लिखेगा अकॉर्डिंग टू प्लान। ठीक है, तो आज मैं आपको जो टास्क देने लगा हूँ वो टास्क आपको मैं उस जुबान में दूंगा जिस जुबान में क्लाइंट आपको टास्क देगा। ठीक है, क्लाइंट बिल्कुल भी क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं देता, आपको समझ नहीं पड़ती है। ठीक है, मेरा मकसद यहाँ बैठ के ये है कि आपको मैं उस इंडस्ट्री का तारुफ करवाऊँ जिस इंडस्ट्री का आपको 4 साल की डिग्री में कभी भी नहीं होता। ठीक है, आप लोग समझते हैं कि आपके लिए जॉब्स खुली पड़ी हैं, लोग स्माइल चेहरे पर रख के आपको दावा देंगे, आए आए सर हमारी इंडस्ट्री में मैडम काम कीजिए, ऐसा हरगिज़ नहीं है। यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। ठीक है, इंडस्ट्री बड़ी टफ है और आपको वहाँ पे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे बहुत सारे। ठीक है, चैलेंजेस इस तरह के होंगे कि बहुत सारे लोग जो इस तरह की ट्रेनिंग से नहीं गुजरे जो कि मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो इस ट्रेनिंग से या इस तरह की सिमिलर ट्रेनिंग से नहीं गुजरते, वो जब चैलेंजेस फेस करते हैं, जिसे कहते हैं ना इंडस्ट्री की मार खाना, जब वो उनको पड़ती है वो छोड़ के चले जाते हैं, या अपना टेम्परामेंट लूज़ कर देते हैं, या अपनी वो फील्ड ही चेंज कर देते हैं। ठीक है, या वो घबरा जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, या वो अपना दिल मार के लगे रहते हैं, जैसे ही मौका मिलता है छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, बहुत कम होते हैं जो उनमें से पार करते हैं उसको सक्सेसफुली, उस टेन्योर को, उस ड्यूरेशन को वहाँ से ट्रेवल करते हैं। ठीक है, हिम्मत नहीं छोड़ते, वो चंद एक होते हैं। मैं उन लोगों को एड्रेस कर रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स को, जो जिनको थोड़ा सा एक सहारा चाहिए, थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए, ठीक है, एक राइट डायरेक्शन चाहिए, और वो बड़े अच्छे तरीके से अपने चैलेंजेस को पार कर लेंगे। ठीक है, उनको अबूर कर लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं आपको क्लाइंट की ज़ुबान में यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दूंगा। ठीक है, और आप लोगों ने मुझे 1 वीक के अंदर उस चीज़ को कंप्लीट करके देना है। ठीक है, कल हमारा लेक्चर है दोपहर 4 बजे। ठीक है, उस लेक्चर से भी आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, जो मैंने पिछले 5 लेक्चर दिए उनसे भी सीखने को मिलेंगी। आपने इस नॉलेज को जो हम इस वेबसाइट पे लगा रहे हैं, अपना सारा नॉलेज, अपनी सारी एफर्ट, स्किल्स यहाँ पे हम सीख रहे हैं, इस नॉलेज को लेकर आपने उस प्रोजेक्ट पे काम करना है जो मैं आपको देने लगा हूँ। ठीक है, तो जो प्लानिंग वाले लोग हैं, आप आई होप कि आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि आप लोगों में से जो पेयर बने हुए हैं आपके, उनमें प्लानिंग कौन कर रहा है। ठीक है, तो जो प्लानिंग वाले लोग हैं, जो प्रोजेक्ट को रिक्वायरमेंट्स लेंगे, वो सुन लें कि मैं एक क्लाइंट हूँ, मैं आपके पास आया हूँ, मैं आपको ये वेबसाइट दिखा रहा हूँ। क्लाइंट कह रहा है यार मुझे ये वेबसाइट बिल्कुल नहीं पसंद। ठीक है, ऐसी वेबसाइट आपने बिल्कुल नहीं बनानी, मुझे एक रेज्यूमे वेबसाइट चाहिए, ऑनलाइन रेज्यूमे जिसमें मेरी तस्वीर हो, डिस्क्रिप्शन हो, वर्क एक्सपीरियंस हो, स्किल्स लिस्टेड हो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो, और वो अच्छे तरीके से डिस्प्ले हुई हो। ठीक है, सैम्पल के लिए ये वेबसाइट आपने हरगिज़ नहीं बनानी, इस तरह की बना सकते हैं, मुझे इस तरह की पसंद है। ठीक है, इसका लिंक मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, इस तरह की मुझे पसंद है, इस तरह की भी बना सकते हैं अगर आपने कलरफुल होना है। ठीक है जी, ये भी एक वेबसाइट है ये वाली। ठीक है, ऊपर बड़ा सारा नाम लिखा हो, लेफ्ट साइड पे तस्वीर हो। ठीक है, इस तरह की भी बना सकते हैं आप, लेकिन ऐसी बिल्कुल नहीं बनानी, मुझे ऐसी वेबसाइट नहीं पसंद। ठीक है, मुझे ये हफ्ते में चाहिए। ठीक हो गया, तस्वीर आप डमी लगा दें, मैं अपनी तस्वीर खुद ही इसमें एडजस्ट कर लूँगा जब आप मुझे देंगे। अब जो प्लानिंग वाले लोग हैं उनको मेरा रिक्वायरमेंट मिल गई है, अपने डेवलपर्स यानी कोडर जो हैं उनके साथ बैठें, प्लान आउट करें कि आप मुझे किस तरह की वेबसाइट प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो तो अपने टीचर से पूछ सकते हैं आप। ठीक है जी, तो बाकी मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।